का पूरा कंट्रोल इनके पास है एंड जस्ट लुक एट देम जो प्लेयर्स फाइट को अवॉइड करके इधर बढ़ रहे थे उनको गॉट नहीं कि यहां पे ऑटी डाउन कर देगी टीएसएम के शैडो को भी टीडाउन किया जाएगा ओएस के तरफ से अनाकोनॉक्स इज गोइंग फॉर द फाइट बट अब यहां से बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं ग्रेट टॉस के लिए कोशिश थी बट अरु व्हाट टॉस दिस ब्लेज आएंगे वही का रोन ओवर के साथ क्रश करते देखिए प्लेयर्स को बट जस्ट लुक एट द एचपी ब्लेज की एचपी बहुत कम है गॉडिक ऑलरेडी निकल चुके फॉर कैपिटलाइजिंग दिस नियो आगे बढ़ेंगे एंड ये लीजिए नॉकआउट पे नॉकआउट आएंगे एंड अब यहां पर दो कंफर्मेशन फ्री के गॉडलाइक को मिल चुके हैं दिस इज हाउ यू प्ले सही टाइम पर सही जगह होने का ये फायदा होता है अभी ना सिर्फ गॉडलाइक के पास पोजीशनिंग अच्छी है बट पूरे के पूरे नंबर्स भी हैं दूसरी तरफ अभी टीम फॉरएवर गेम से बाहर हो चुकी है ऑरेंज रॉक के साथ उनको फाइट लेनी थी बट वो फाइट नहीं जीत पाए हैदराबाद हाइड्रास को केमिन ईस्पोर्ट्स के साथ फाइट लेनी है डेस्ट्रो यहां पे हील करने का प्रयास कर रहे हैं एक नेड मॉली आया जरूर बट आई गेस एक मॉली जो था वो थोड़ा सा पीछे रह गया एंड नेड आगे चला गया बात करें यहां पे उनके टीममेट्स पुश कर रहे हैं क्रांति यहां पे बड़े ही अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को हैदराबाद हाइड्रास को गेम से बाहर करेंगे उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन टीम गॉडलाइक का भी रहेगा जोनाथन को अपना एक फिनिश वहां पे सिक्योर होगा एंड 60 टीमें एकमात्र इस लॉबी में बचती हैं जहां पे जोनाथन आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं बट लुक एट द रिफ्लेक्स हेड चेज करने में कामयाब न्यू प्लेयर को डाउन किया एंड अब एक नेड किया जा रहा है नोस के दूसरे पेड़ के पास एक है ये नेड डेस्ट्रो को भी एक्सप्लोड कर सकता है बट डेस्ट्रो बहुत सारा डैमेज लेके उसको डॉज करने में कामयाब जरूर हुए बट अभी भी दो प्लेयर सामने है जोनाथन की तरफ एक नेड आ रहा है जोनाथन यहां पे फिलहाल क्ले डाउन होंगे बट पीछे से बैकअप बड़ी जल्दी आएगा लेट्स सी गिल क्या यहाँ पर रिवाइवल देने में सक्षम होंगे क्योंकि केविन ईस्पोर्ट के प्लेयर्स को भी डैमेज काफी तगड़ा दिया था इसका मतलब वो भी अभी के लिए रिवाइवल पे जा रहे होंगे दे आर ऑल्सो गोइंग फॉर द सेम थिंग तो आपके पास मौका है अब रिवाइव कीजिए बाकी दो प्लेयर्स वो आगे बढ़ के कैपिटलाइज कर सकते हैं उन नॉकआउट प्लेयर्स को दबाव बना सकते हैं केविन ईस्पोर्ट पर डेल्टा रिवर का स्पॉट क्या काफी बढ़िया स्प्रे थी यहाँ पे गिल की तरफ से उनको टेक डाउन कर दिया जाएगा सेकेंडरी प्लेयर जो कि पहुंच रहे डेल्टा रियल देने के लिए उनको भी काफी तगड़ी डैमेज दी गई है बट अब अगर ज्यादा ओवर एक्सपोज करेंगे अपने आप को तो माइंड इस तरीके से कंट्रोल इस तरीके से दबाव लगातार बना के रखना पड़ेगा नी ऑलरेडी आगे बढ़ चुके प्लेयर्स को एक और प्लेयर टेक डाउन किया जाएगा बट क्लच गॉड को भी एक इंस्टेंट ट्रेड के अंदर नॉकआउट दिया जाएगा किल आगे बढ़ चुके हैं जॉन रिवाइवल दे दिया गया है न्यू प्लेयर एचपी बहुत कम है जॉन स्पॉट करेंगे बढ़िया चीज नहीं कोशिश बट जॉनथन रिफ्लेक्स तो है ये क्या था वो बिना गन के भाग रहे थे उसके बाद गन स्विच करेंगे बट कैसे ऊपर आ पाएंगे गॉडलाइक पूरे के पूरे 7 प्लेयर्स पे लाइव उनको नजर आ जाएगी जॉनथन मियो को यहां पे डाउन करेंगे टीम इनसेन के इनसेन एक एक करके बिखर रही है बिकॉज यहां पे इनसेन का एक स्प्लिट था 1v2 का बिकॉज तीन ही प्लेयर्स उनके पास थे प्लेयर पूरा का पूरा फिनिश ऑफ हो जाएगा आखिरी के दो खिलाड़ी बचते हुए नजर आ जाएंगे मैकडाउन थे उनको रिवाइवल मिल रहा है टीम गॉडलाइक 8 फिनिशेस के साथ टॉप 6 में जिंदा है एंड दे आर क्वाइट लिटरली डोमिनेटिंग द लॉबी राइट नाउ बिकॉज डोमिनेशन बहुत अलग लेवल पे है एंड साथ ही साथ एक और चीज मैं पॉइंट करना चाहूंगा दिस वॉज योर प्रेडिक्शन सरदार जी I'm just gonna say this again. जब तक सर्कल शूटिंग रेंज के एरिया की तरफ था इनके पास कंट्रोल था और सर्कल पूरे समय वही एरिया पर है जस्ट लुक एट दिस अभी भी शूटिंग रेंज के तरफ ही है क्लच स्क्वाड की वो ग्रेनेड पंकू को टेक डाउन करेगी जॉनथन इज स्टिल गोइंग फॉर सम फाइट्स नो फिनिशर्स तो ऑलरेडी निकाल चुकी ये टीम एंड कहीं ना कहीं दे आर लुकिंग सुपर्ब दे आर लुकिंग वेरी शार्प एट दिस पॉइंट क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे नंबर्स का एडवांटेज है टीम के पास एंड वी नो नंबर्स एडवांटेज प्लस आप लगातार फाइट्स जीतते जा रहे हैं सो यू हैव अ कॉन्फिडेंस बूस्ट टू साथ के साथ यू आर हैविंग अ गुड एरिया हर एक चीज सही जा रही है आपके लिए बोलते ना सारे के सारे सितारे एकदम एक सीधी लाइन में आ चुके हैं दिस कुड बी द गेम जो कि गॉड हेल्प बहुत बढ़िया तरीके से निकालती दिखेगी एंड हमने बोली थी ये चीज कि सर्वाइवल पे फोकस करिए टीम देख लीजिए क्यों कर रही है अब जब सर्वाइवल और फिनिशर्स दोनों को मिलाएगी तो जस्ट लुक एट दिस कितना बढ़िया मिश्रण बनता दिख रहा है क्योंकि अब प्लेसमेंट पॉइंट्स भी आ रहे हैं और फिनिशर्स भी आ रहे हैं लगातार उस चीज का फायदा उठा रही टीम नकुल यहां पर इनसेन के संयम को टेकडाउन कर देंगे एंड संयम का कंफर्मेशन भी आ जाएगा 4 टीमें 8 प्लेयर्स बट नियो को टेकडाउन किया गया इनसेन की टीम के लिए मुश्किल है बड़ी बट यहाँ पे नियो एट बुट जूसी के द्वारा नॉक और फिनिश इंस्टेंटली हो जाएंगे इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे बट यहाँ पे नाकुल जो अपनी टीम के आखिरी खिलाड़ी बचे थे भाई उन्होंने पूरी की पूरी टीम इनसेन के लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं काश हम नकुल का पीओवी देख पाते बिकॉज उन्होंने एक एक करके इनसेन के दोनों खिलाड़ियों को परेशानी में डाला एक्विनॉक्स जोनाथन को यहाँ पे फिनिश आउट कर देंगे टीएसएम यहाँ से शायद गेम छीन के जा सकते हैं बिकॉज गॉडलाइक केवल दो खिलाड़ियों पे है क्लच गॉड और गिल अभी भी बिग ब्रेन हमको जिंदा नजर आने वाले हैं बट किस प्रकार से वो आगे जाएगा गेम
शानदार असॉल्टिंग करते हुए आसानी से एक शानदार नॉक निकालते हुए नजर आएंगे, बट क्लच गॉड भी यहां पे उनको नॉक नजर आ जाएंगे। क्या एक्विनॉक्स उनको फिनिश ऑफ कर पाएंगे? गिल के ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर रहेगा। लीडर क्लच गॉड उनको रिवाइवल के लिए बुलाते हैं। फिलहाल के लिए एक सामने स्मोक था, बट फ्रॉम टुवर्ड्स द राइट साइड क्या उनके ऊपर पुश आ सकता है? एक्विनॉक्स आगे आने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। एक 1v1 का एम ड्यूल, कवर का एडवांटेज गिल के पास। गिल को केवल जिगल फाइट्स लेनी है। ओपन में वाइड स्विंग किया। एक्विनॉक्स इज गोना पनिश हिम फॉर दैट। 1